रोज कुछ ना कुछ चाहिए, व्लॉग 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 व्लॉग। वैसे सैल्यूट है जो रोज कुछ ना कुछ अलग तरह का व्लॉग बनाते हैं। भाई अगर मैं व्लॉग बनाने चलूँ, अगर मयंक नहीं हो तो मेरे दिमाग में कभी कभी कुछ आता नहीं है, तो कहता है कि यहाँ चलो वहाँ चलो, तो मयंक के साथ मुझे जब जाना पड़ता है तब मैं जा करके थोड़ा सा स्टोरी वगैरह कंटेंट वगैरह इकट्ठा कर लेता हूँ, अदरवाइज मेरे बस का होता नहीं है। भाई करने के बाद पता चल रहा है कि हाँ व्लॉग छोटी सी चीज़ भी अगर बनानी पड़ती है तो कितना दिमाग लगाना पड़ता है। और जैसे जो व्लॉगर्स हैं डेली का बनाते हैं अपना रेगुलर वे में, घर का ही होता है कुछ ना कुछ होता है, तो उसमें बड़ी मुझे लगता है कि शायद मेरे पास कंटेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी फुर्सत तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोग बनाते हैं उस चीज़ की और सोचता हूँ कि हाँ कुछ तो है कि भाई अपना इतना सारा कुछ करते कराते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे बस का हो तो नहीं रहा है तो क्या करूँ, ऐसे करते करते काफ़ी दिन निकल गए, लेकिन आज हिम्मत करके मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मैं नया करने की सोचता हूँ। तो उसी वे में आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ खाने पीने से संबंधित व्लॉग्स की व्लॉगिंग करूँ, उससे शुरुआत करूँ। मैं आज सोयाबीन के पुलाव बनाने की बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन वो कैसे बनते हैं क्या बनते हैं मुझे पता तो नहीं है, लेकिन एक आइडिया जहां हमने खाया था सोयाबीन पुलाव कोटद्वार में, उसकी तर्ज पर बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरी किचन है और इस किचन में मैं जो है जो मैं चावल लाते हैं सो बोलते हैं पुलाव वाला चावल, सेला करके होता है, और वो सेला की जो क्वालिटी है डबल चाबी की है, तो मैं उसको ले करके अब आगे की प्रक्रिया बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है, जो मैं अपने आप से बिना कहीं से पूछे बिना कहीं से सीखे आज मैं इस पर प्रैक्टिकल करूँगा। इस चावल को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 1.5 से 2 घंटे भिगो के रखना है। 7 बज रहे हैं और 7 का मतलब है अगर 1.5 से 2 घंटे है तो कम से कम 8:30 बजे मैं तब भिगो के रखना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि मेरे द्वारा मैं कितना अच्छा कर पाता हूँ। और ये सेला चावल हमारे घर में हमारे पिताजी ने भी शायद नहीं लाए हैं, अब ज़्यादा भिगो करके दिक्कत हो सकती है ना कि हाँ मैंने कहीं बना लिया और अच्छा भी नहीं लगा, तो प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा सा करना चाहिए। तो लगभग आधा कटोरी मैंने, और ये सोयाबीन मैंने ले रखी थी 15-20 दाने ले रखे हैं, तो इसे भिगो के इसलिए रख दिया कि बाद में इसको मेरे को थोड़ा सा तलना होता है। मिसेज ने बताया था कि हाँ इसको तल लेना तो भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो ये टीवी में मुझे नहीं पता है, कभी मैं करता था ये काम कभी शादी से पहले, तो अब तो वो सब चीज़ें मुझे पता नहीं है, तो होना कैसे है इसको देखते हैं। कि सोयाबीन भिगो के रख दिया, चावल धो रहा हूँ, चावल भिगो के रख देता हूँ मैं। बड़े कटोरे में मैंने चावल धो के रख दिए, भिगो दिए, अब इसे 1.5 घंटे बाद मैं इसे पकाने की शुरुआत करता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 1.5 घंटे बाद उस चावल को सेले चावल को बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, और बनाना है सोयाबीन पुलाव। तो उस क्रम में मैंने सबसे पहले सोयाबीन भूननी है जो कि मैंने इसमें डाल दिया है, तो इसे भूनते हैं। और ये सोयाबीन को भूनकर मैंने अलग से प्लेट में निकाल लिया है। तो मिलते हैं फिर चावल पकने के बाद। तो हमारे चावल पक चुके हैं, अब इसे थोड़ी देर हमें ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ेगा, और ठंडा होने तक छोड़ने के लिए तब तक हमें इसमें अपना स्वाद के हिसाब से नमक मिला लेते हैं। और ठंडा इसलिए करना है क्योंकि इसमें बाद में स्वाद अच्छा और करने के लिए दही का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये गर्म गर्म है तो इसमें नमक आसानी से ऑब्जर्व भी हो जाएगा, और जैसे ही कहा जाता है कि नमक पकना चाहिए थोड़ा सा, तो चावल चूँकि गर्म है तो उसकी पकने वाली जो विधि होनी चाहिए नमक की वो इसमें खिल जाएगा। हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर हल्का तीखा खाने का शौक रखते हैं, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन हल्का थोड़ा स्वाद तो चेंज करना ही है। तो हमारे जो चावल बनने थे वो पक गए हैं, जो सोयाबीन बननी थी वो भी पक गई है, और चावल के साथ और नमक का स्वाद भी हमने चेक कर लिया है वो भी हो गया है। अब करते हैं खाने की तैयारी।
ये थोड़ा सा लेकर के खाके चेक करते हैं, और इसमें स्वाद, थोड़े से स्वाद के लिए, अच्छे स्वाद के लिए हम इसमें दही का प्रयोग करेंगे। इसे और टेस्टी बनाने के लिए पनीर का प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि आज लॉकडाउन था तो पनीर मिला नहीं, तो इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। और नमक हल्का स्वाद के हिसाब से मैंने मिला लिया था इन सभी चावलों में, और मिर्च बहुत हल्की डाली थी क्योंकि मिर्च कम डालता हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्वाद बदलना था। अब इसे खा के देखते हैं, दही मिला लेते हैं इसमें। मुझे तो नहीं लगता कि मैं कोटद्वार में जो मैंने सोयाबीन की बिरयानी खाई थी उसके मुकाबले बना पाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह की कोई चीज़ कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल के रूप में, लेकिन कितना अच्छा बना है कितना नहीं है तो मैं कभी खा के अपने आपको बता पाऊंगा। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा, मैं तो खराब को भी अच्छा बता सकता हूँ, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए बनाने की विधि मैंने लगभग आपको बताई दी है। उम्दा, बस थोड़ा नमक तेज हो गया हल्का सा, लेकिन जो स्वाद वहाँ था वही स्वाद है, सेम स्वाद है। बस एक चीज का चीज नहीं है, लॉकडाउन होने की वजह से दुकानें नहीं खुली हैं, पनीर नहीं मिल पाया, तो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाले जा सकते थे, लेकिन अगर हम उसकी बात ना करें और हल्का सा जो नमक तेज है उसे भूल जाएं, तो ओवरऑल ये प्रैक्टिकल मेरा मेरे हिसाब से 80% सक्सेस हो गया, यानी कि ये भोजन बिरयानी का, सोयाबीन बिरयानी का खाया जा सकता है। तो मेरा ये ब्लॉग आपको फर्स्ट टाइम जो मैंने बनाया है आपको कैसा लगा, तो ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मयंक भाई से भी रहेगा कि बिना उनके मैंने ये ब्लॉग आज शायद पहला ब्लॉग ऐसा बनाया है जो मैंने अपने ही बल पर बनाया है, तो उनको चिढ़ाने के लिए बिरयानी तो उन्हें मैं अभी दे नहीं पाऊँगा, लेकिन वो खा पाएँ ना खा पाएँ उन्हें नेक्स्ट टाइम मैं अपने हाथ से बना के ज़रूर खिलाऊँगा। और दर्शकों से भी निवेदन है कि अगर वो खुद भी खाना चाहें तो खा सकते हैं बना करके, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। तो बताइएगा कैसा रहा ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग सेल्फ प्रैक्टिकल फूड के नाम पर सोयाबीन बिरयानी के लिए।